हेलो फ्रेंड्स, रेफेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओढ़नी पे गोटा कैसे लगाते हैं, वो भी पीकू वाला गोटा। पीकू की तरह लगेगा, गोल गोल, तो वो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। गोटा कई तरह से लगाते हैं, ये देखिए। जैसा कि इस ओढ़नी पे गोटा हमने इस तरीके से लगाया हुआ, ये देखिए, सीधा, ये स्ट्रेट स्टिच है। इसमें हमने क्या किया, आधा गोटा इधर रखा और आधा इधर रखा और सीधी सिलाई लगा दी। तो आप ऐसे भी गोटा लगा सकते हैं। और ये गोटा हम कोई सी भी मशीन हो, नॉर्मल मशीन हो या आपकी ऑटोमेटिक सिलाई मशीन, दोनों ही तरह की मशीनों से लगा सकते हैं। और इसमें आप एक ये भी कर सकते हो, जैसे आपकी ओढ़नी ग्रे कलर की है तो आप ग्रे कलर का थ्रेड लेकर जिगजैग स्टिच भी कर सकते हो इस गोटे पे, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और सीधी सिलाई भी कर सकते हो, जैसा कि हमने इस ओढ़नी पर कर रखी है। देखिए, ये देखिए दूसरी ओढ़नी जो मैं आपको बता देती हूँ, पीकू वाला गोटा, ये देखिए, इस पे ये देखिए पीकू की तरह लगा हुआ, गोल गोल लगा हुआ है। देखिए इसे कैसे लगाते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और ये गोटा आप ऑटोमेटिक सिलाई मशीन से जिगजैग फंक्शन जिसमें होता है उसी से लगा सकते हैं। नॉर्मल मशीन में अगर जिगजैग फंक्शन नहीं है तो उससे नहीं लगेगा। तो आइए आज हम इसको कैसे लगाते हैं वो सीखते हैं। ये हमारी ओढ़नी है, इस पे हम पीकू वाला गोटा लगाएंगे, गोल वाला। सबसे पहले हम इसकी, ये देखिए, जो इस तरह की एज है उसको आप सही कर लें, कटिंग करके फिनिशिंग कर लें। तो पहले आप इस ओढ़नी पे इस तरह से, जैसे ये मुड़ रही है तो आप इस पे प्रेस कर लें और इसको बराबर से अच्छे से कटिंग कर लें। पीकू वाला गोटा बनाने के लिए आप गोटे की साइज 1/4 इंच की लें, आधा इंच की नहीं ले, आधे से भी आधा इंच की ले। अगर आप इंटरलॉक वाला गोटा लगाना चाहते हो ओढ़नी पे, तो सबसे पहले हम इसमें धागा चेंज कर लेते हैं, पीकू वाला धागा लगा लेते हैं। आप नॉर्मल धागे से भी लगा सकते हो, लेकिन हम पीकू वाले धागे से लगा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप बॉबिन को इस तरह से लगाएं, जैसे कि ये देखिए धागा ऐसे खुल रहा, और इसमें बोबिन में भी जैसे ये पतला साइड इधर है तो ये ऐसे एरो की तरह बनना चाहिए। इसमें देखिए इधर मोटा है और इधर पतला है, ऐसे ही आप इसको डालें, जैसा कि मैं ज़्यादातर वीडियो में ये बताती हूँ। अब हम फुट चेंज कर देते हैं, ये देखिए ये पीकू वाला फुट है, इसे राउंड हेम फुट भी कहते हैं और रोल्ड हेम फुट भी कहते हैं। सबसे पहले हम धागे को स्पूल पिन में डालेंगे, फिर ये थ्रेड गाइड में लगाएंगे और थ्रेड गाइड से लगाते हुए ये देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ, इस एरो की जैसे आप ऐसे सीधा धागे को लाना है और यहाँ नीचे देखिए यू टर्न लगा रखा है, तो आपको धागे को यू टर्न ले लेना। और यू टर्न लेते हुए देखिए यहाँ पे भी एरो बना हुआ, ये देखिए ऊपर यहाँ पे एरो है। इस एरो में ऐसे ही आपको जैसे राइट साइड से लेफ्ट साइड धागे को ले जाना है, ये देखिए इस तरह से। अगर धागा टाइट आ रहा है इस तरह से आपके, तो वापिस से आप इसको निकाले और फिर से लगाए। और फिर आप ये नीचे देखिए एक थ्रेड गाइड यहाँ पे है, इस थ्रेड गाइड में लगाना है। और आप सारी स्टेप पूरी करें, एक भी स्टेप आप बाईपास नहीं करें, क्योंकि स्टेप को बाईपास कर देते हैं तो धागा फंस सकता है। तो आप प्रॉपर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करें। अब आप फुट को ऊपर उठाएं और हैंड व्हील को घुमाते हुए नीचे का धागा ऊपर ले आए। अब इसको दोनों धागे को पीछे की तरफ ले जाकर छोड़ दें। ये पूरी स्टेप कंप्लीट हो गई है। ये ओढ़नी है, इसमें हम गोटा लगाएंगे, पीकू वाला गोटा। कपड़े का सीधा साइड नीचे होना चाहिए, गोटा भी नीचे ही रखना है सीधे की तरफ, इस तरह से, ये देखिए ऐसे रखना है आपको। एक दो बार आप इस तरह से चला ले, चेक कर ले। और अब हम दो तीन स्टिच लेंगे सीधी, और अब हम नीडल को कपड़े के अंदर इंसर्ट कर देंगे और फुट को ऊपर उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ जो ये कर्ल है इसमें हम इसको फंसा देंगे। जैसा हम नॉर्मल पीकू करते हैं उसी तरह से करना है इसको भी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से गोटे वाला पीकू हो गया। और इस तरफ भी, उल्टी तरफ भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए
अगर आपसे ऐसे नहीं लगता है, सही से नहीं होता, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये गोटा है और इसको पहले सीधी स्टिच कर लें आप इस तरह से, ऐसे सीधा सीधा सिल ले, सीधी साइड इधर रहेगी और सीधी साइड ही कपड़ा ही नीचे रखना और गोटा भी नीचे रखना, फिर आप इसको सीधी सिलाई लगा ले और फिर आप इस पे पीकू कर ले, तो वो क्या कि वो इजी हो जाएगा। ये नहीं तो दोनों को पकड़ के हम करेंगे तो हो सकता है इस पे पीकू हो जाएगा और कपड़ा निकल जाएगा। तो आप शुरू में ऐसा कर रहे हो तो आप ऐसा करें, पहले सीधी सिलाई लगा दे इस तरह से, फिर आप पीकू करें तो आपके अच्छे से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।